स्पेशल कटा रहे हैं, लॉट्स ऑफ एनर्जी. लेट मी स्टार्ट विद दिस वेरी शॉर्ट वीडियो. बहुत छोटा सा वीडियो है क्योंकि मैं सिर्फ आपको लोग के साथ लॉ का जो पेपर पैटर्न होने वाला है जो मे अटेम्प्ट के लिए, मे 24 एग्जामिनेशन के लिए होगा फॉर सीए इंटर एग्जाम. अब ये जो पेपर पैटर्न है ये मैंने किस बेसिस पर बताया, तो आपका एमटीपी जो पहला, जो दो एमटीपीज होते हैं उसमें से पहला एमटीपी ऑलरेडी लॉ का आ चुका है, उसके बेसिस पर मैं आपको पेपर पैटर्न बता रही हूँ. बहुत सिंपल सा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना कि किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के लिए आएंगे अराउंड. अभी ये अगर आप एमटीपी वन देखते हो तो अगर चैप्टर वाइज देखा जाए तो चैप्टर वन पर तकरीबन 5 मार्क्स के लिए आया है, चैप्टर टू पे 5 मार्क्स के लिए आया है, 3 पर 8 मार्क्स के लिए आया है, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स ऐसे 2 क्वेश्चन आए थे, 4th इतना बड़ा होने के बाद भी सिर्फ 5 मार्क के लिए आया है, 5th चैप्टर 5 मार्क के लिए, 6, 7 भी 5-5 मार्क्स के लिए आए हैं. ठीक है, 8th जो चैप्टर था उस पर सिर्फ 2 मार्क्स की क्वेश्चन है, 9th चैप्टर जो है वो 8 मार्क के लिए पूछा गया था, एंड जो 10th चैप्टर है वो 5 मार्क के लिए, फेमा जो है वो तकरीबन 13 मार्क्स के लिए, एंड LLP अराउंड 10 मार्क्स के लिए पूछा गया है. अब ध्यान से समझो एक बात, अब आप देखोगे आज तक आप लोगों ने वैसे भी LLP को इतना कुछ भाव दिया नहीं, ठीक है, LLP को आज तक वैसे भी आप लोग भाव नहीं देते थे, बट यस LLP इज इम्पॉर्टेंट अगेन फॉर दिस अटेम्प्ट. पॉसिबल है कि MTP में अगर 10 मार्क के लिए आया है तो आपके एग्जाम में भी अच्छे से पूछे, तो फेमा एंड LLP सबसे हाईएस्ट है. उसके बाद जो 9th वाला चैप्टर है आपका वो इम्पॉर्टेंट है, एंड उसके बाद 3rd वाला चैप्टर. इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है आपके MTP 1 में. ऐसा ज़रूरी नहीं कि सेम आपके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा मेन अटेम्प्ट में, बट ऑन एन एवरेज आपको एक फेयर आइडिया देने के लिए मैंने ये आपको बताया कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आया था. अब दूसरी बात, ये जो पेपर पैटर्न होगा वो 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है. एक है पार्ट 1 का जिसमें सिर्फ और सिर्फ MCQs होंगे, और एक है जो पार्ट 2 है आपका जिसमें सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव होंगे. ठीक है, अब ये जो पेपर पैटर्न है ये ऑलरेडी हमें पता था कि 30 मार्क्स यहाँ से आएगा, 70 मार्क्स यहाँ पे आएगा. MCQ जो पार्ट 1 होगा उसमें आपको पूरा, अगर आप देखोगे ना, तो पूरे सारे के सारे सिर्फ केस स्टडी है. ठीक है, क्या करेंगे, बहुत बड़ा एक पेज का आपको बड़ा सा केस स्टडी दे देंगे, फिर आपको पूछेंगे 1, 2, 3, 4, 5 MCQs है, आपको उसका जवाब देना है. ईच MCQ के लिए आपको 2 मार्क्स होंगे, ऐसे आपको 15 MCQs पूछे जाएंगे. ठीक है, 15 MCQs पूछे जाएंगे, ईच विल बी फॉर 2 मार्क्स. ऐसा जरूरी नहीं कि एक मार्क के लिए नहीं पूछेंगे, बट मैक्सिमम आपको 2 मार्क का एक MCQ आएगा, और आपको MCQ का सिर्फ जवाब देना है और बात खत्म करनी है. आई ऑलवेज सजेस्ट स्टूडेंट्स कि पहले हमेशा MCQ के टाइम पे पहले क्वेश्चंस पढ़ लेना, और उस क्वेश्चंस के बाद आप केस स्टडी पढ़ना एग्जाम में भी. इस जो ये जो MTP दिया है इसमें 3 केस स्टडीज दिए हैं, और उसके बेसिस पे उस पे MCQs पूछे हैं. ऐसा पॉसिबल है कि 4 केस स्टडीज भी आए, 3 भी आए, 2 भी आए, पता नहीं, और एक ही पर सारे क्वेश्चंस पूछ ले, ऐसा पॉसिबल है. हाउएवर अंडरस्टैंड इंस्टीट्यूट आपका टाइम जो है वो MCQ में ज्यादा, देखो MCQ मतलब क्या, आपको ऐसा लगेगा MCQ है हम लोग 30 मार्क्स उधर ही सिक्योर कर लेंगे, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट टाइम, क्योंकि इंस्टीट्यूट पूरा ट्राई करेगा कि आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम MCQ का पूरा केस स्टडी पढ़ने में ही चला जाए. तो प्लीज मेक श्योर कि आप उधर बहुत केयरफुल रहे, इसलिए पहले क्वेश्चंस पढ़ लेना एंड देन गो एड विद द MCQ का मेन जो पूरा लिखा हुआ है सिनारियो है उस पे, सो दैट यू विल गेट टू नो कि ये क्वेश्चन का आंसर इधर मिल जाएगा. क्वेश्चन मतलब पढ़ते पढ़ते यू विल गेट द आंसर्स, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा बाद में वापस. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग जहाँ पर आपको पार्ट ए मिलेगा, पार्ट 1 मिलेगा, और जो सेकेंड पार्ट है जिसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे. अब डिस्क्रिप्टिव के लिए उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी एंड आउट ऑफ रिमेनिंग 5 क्वेश्चन यू हैव टू अटेंड any 4. So what is going to happen in descriptive? आपको 1, 2, 3, 4, 5 and 6 ऐसे 6 questions आएंगे. इन 6 में से जो हमेशा से होते आए हैं ये compulsory होगा, ये हमेशा आपके लिए क्या हमेशा ही compulsory होता था, इस बार भी compulsory होगा. And out of these 5 you can attempt any 4. ठीक है, any 4 you have to attempt. अब ये 4 में भी देखो, इसका ABC, इसका ABC वगैरह वगैरह जो भी है, आपको सब क्वेश्चन सारे एक ही के सॉल्व करने होंगे. ऐसा नहीं कर सकते कि सेकंड का आपने A चुन लिया, फिर 3rd का B चुन लिया, और सेकंड का जो B है वो नहीं आ रहा था इसलिए 3rd का B लिख दिया. ऐसा आपको पॉसिबल नहीं होने वाला, ऐसा अलाउड नहीं है. आपको क्या करना है, आपको कोई भी 4 सवाल चुनने हैं, और उन 4 सवाल में से आपको उसके जो भी सब क्वेश्चन होंगे वो सारे आपको आंसर करने हैं. इसके अलावा जो अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में ही जो पहला
क्वेश्चन है उसी में सिर्फ आपको इंटरनली आपको एमसीक्यू मतलब आपको क्या बोल सकते हो आप व्हाट यू कैन से ऐसा ऑप्शन दिया गया है. ये जो और है ना ये सब क्वेश्चन में जो आया है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर है जो कि होगा आपका क्वेश्चन नंबर 6. तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूरे चांस है कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 में जो पहला क्वेश्चन होगा जो या जिसको आप ए बोल सकते हो उसमें आपको सब क्वेश्चन में ऑप्शन मिल जाए मतलब ए ही या तो यू कैन राइट दिस और यू कैन राइट दिस एंड देन बी एंड सी आप लिख सकते हो बट अदरवाइज अदर देन दैट बाकी कहीं पर भी आपको सब क्वेश्चन इस तरीके से और नहीं आने वाले. ज्यादा से ज्यादा 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होगा 5 के लिए होगा या तो 6. मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स 4, 5 और 6. इससे ज्यादा आपको ज्यादा बड़ा केस स्टडी क्वेश्चन नहीं आता या व्हाट यू कैन से ज्यादा बड़ा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिखने के लिए नहीं आता है. तो इस तरीके से पेपर पैटर्न होगा. अब तो पूरी क्लैरिटी है कि पेपर पैटर्न कैसा होगा. अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगा होगा कि इधर LLP फेमा हो गया तो IOS एंड GCA वाला हम नहीं करके जाएंगे. तो लेट मी टेल यू इस पर आपको MCQ में क्वेश्चन आ सकते हैं. आपको पूरा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम कर देंगे MCQ में और आपको पूछेंगे जवाब दो. तो अगर IOS और GCA पर MCQ में आ गया तो भी आपकी बैंड बच जाएगी. इससे अच्छा है आप लोग सारे चैप्टर्स ढंग से करके जाए और ट्राई करना बिकॉज मैंने पहले भी कहा है इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा सिलेक्टिव हो चुका है. मतलब क्या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट को लगते हैं स्टूडेंट सिर्फ वही करके जाता है. अब इंस्टीट्यूट गेम घुमा देता है. इंस्टीट्यूट बोलता है कि जो स्टूडेंट नहीं करके आएगा हम वो पूछेंगे. तो पिछले कुछ अटेम्प्ट से मैंने ये नोट किया हुआ है इवन इन फाउंडेशन ऑल्सो यही हुआ है और इंटर में भी यही हुआ है. जो इंपॉर्टेंट है वो तो पूछते हैं ठीक है लेकिन अलॉन्ग विद दैट जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी ज्यादा पूछा जाता है. तो प्लीज मेक श्योर कि आप वो अमेंडमेंट वाला वीडियो भी देख ले. अमेंडमेंट वाला वीडियो का लिंक मैंने डाल दिया. अमेंडमेंट सिर्फ 11 मिनट का है. वो सिर्फ अमेंडमेंट मतलब मैं ये नहीं बोल रही फेमा और जो नए चैप्टर्स ऐड हुए उन सबको डाला है नहीं. मैंने सिर्फ अमेंडमेंट का मतलब है सिर्फ जो नया इंपॉर्टेंट जो आपके लिए जो एप्लीकेबल लॉज जो सीखा होता है वो जो चेंज आता है ना वो वाला सिर्फ अमेंडमेंट है. वो भी देख लेना. वहां पर जो क्वेश्चन है या जो अमेंडमेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के परस्पेक्टिव से. वो भी एक कर लेना. तो इसके साथ साथ और एक चीज मैं बता दूं. कई सारे स्टूडेंट ऐसा बोलते कि मैम हमारे MTPs भी सॉल्व करवा के ले लेना. तो MTP का मैंने ये डिसाइड किया कि देखो आप भी पूरे MTP पढ़ के कई बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ स्टूडेंट के लिए मतलब इजी होता है. मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो आते ही है पता है यार इसका आंसर क्या टाइम वेस्ट करना है ऐसा लगता है स्टूडेंट को. तो इसलिए मैंने सोचा है कि जितने भी एक तो MCQ वाला जो Part 1 है उस पर थोड़ा सा आपको सोचने का एक तरीका कैसा होना चाहिए उसके लिए मैं आपको MTP का एक्सप्लेनेशन दूंगी एंड जो डिस्क्रिप्टिव है उस पर बहुत क्विकली एक ओवरव्यू दे दूंगी कि कौन से क्वेश्चन आया है और उसका आंसर क्या होगा. बहुत डिटेल में डिस्कशन नहीं होगा लेकिन हाँ 1 घंटे में आई विल ट्राई टू रैप अप एवरीथिंग. जो MCQ 1 घंटा भी बहुत ज्यादा हो जाएगा वैसे तो शायद से बट हाँ जो MCQ है एंड अलोंग विद दैट जो क्वेश्चन पूछे आए हैं पूछे गए हैं उसका जो डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन है उसके लिए तो वो वीडियो मत देखना भूलना. मैं इसके बाद कुछ दिन में डाल दूंगी बट हाँ RTP MTPs दोनों आएंगे इस बार के लिए. क्यों? क्योंकि ये पहला अटेम्प्ट है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस. सो बी केयरफुल विद द MTP ऑल्सो एंड RTP ऑल्सो बिकॉज न्यू सिलेबस से ही ये MTP RTP ही आपको आइडिया देगा कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए. सो ऑल द बेस्ट. अगर कुछ लगे तो कमेंट सेक्शन में बताना और थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि वैल्यू एडिशन हो रहा है तो जरूर लाइक करना सब्सक्राइब करना शेयर करना लोगों के साथ स्टूडेंट्स के साथ क्योंकि मैंने देखा कई सारे स्टूडेंट्स को मतलब ये गाइडेंस होता ही नहीं है बिकॉज वो इस गाइडेंस के लिए मतलब ना ही कोई टीचर्स उनको क्लास में बताते हैं और ना ही वो खुद ऐसा कोई रिसर्च के थ्रू उनको पता चलता है. तो प्लीज़ स्टूडेंट्स तक ये वीडियो जरूर पहुँचाना. टेक केयर एंड बाय बाय.